दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है आतिशी को विधायक दल का नेता जो है आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं हमारे पास अमन अरोड़ा हैं पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे समझते हैं सारी ये राजनीति क्या है रोडा साहब आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं पर विपक्ष बोल रहा है कि ये सारा जो है कैलकुलेटेड वो है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जब जमानत दी है केजरीवाल जी को उसके चलते उनके पास कोई रास्ता नहीं था और देखिए ऐसा है कि बीजेपी केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के ज़रिए एक ही काम करने लगी हुई है पिछले दो साल से कि जो दिल्ली की दो करोड़ जनता को अरविंद केजरीवाल जी पिछले दस साल से हेल्थ एजुकेशन फ्री ट्रेवल तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रहे हैं उनको किसी तरीके से बंद कर दे लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी लोगों के इस कॉज को वचनबद्ध हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको जैसी बेल दी तभी से उससे पहले इनफैक्ट दो साल से ही वो लोग ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि खुद कुर्सी छोड़ना एक नया आयाम नया बेंच में, मार्क जो है अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में स्थापित किया है और लोकतंत्र में लोग सबसे बड़े होते हैं उन्होंने क्या कहा है कि मैं लोगों की कचहरी में जाऊंगा, और वहाँ से मैंडेट लेके आऊँगा अगर बीजेपी वाले इतने सच्चे हैं अगर उनके सो कॉल्ड एक्साइज कैम में ज़रूरत भर भी सच्चाई है तो आइए चलिए अगले महीने इलेक्शन कराइए दिल्ली के लोगों के पास चलते हैं पता चल जाएगा झूठा कौन है सच्चा कौन है ईमानदार कौन है बेईमान कौन है इसमें डर किस बात का है अक्षय इस बार पूछ रहा है कि जो मॉरल हा, हाई ग्राउंड लिया है केजरीवाल जी ने ये जब केजरीवाल जी जेल में थे तब क्यों नहीं लिया गया जब जमानत मिल गई उसके बाद क्यों लिया गया है देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दो करोड़ लोगों और देश के 140 करोड़ जनता को जवाबदेह हैं बीजेपी के लीडरों को उनके वर्करों को या उनके जो अंध भगत हैं उनको अकाउंटेबल नहीं हैं उन्होंने तो ये दुष्प्रचार बड़े लंबे समय से कर रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो मैं फिर से कहता हूँ जो अकाउंटेबिलिटी uh, का जो ईमानदारी uh, का एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है वो बीजेपी के किसी लीडर में दम है नहीं आतिशी को लीडर चुन लिया गया है विधायक दल का और लीडर चुनने के साथ ही जो विपक्ष बड़ा हमलावर हो गया है आतिशी के जो पारिवारिक वो हैं उनको जो है सवाल उठा रहे हैं कि अफजल गुरु के लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी कि उनकी फांसी जो है वो टाल देनी चाहिए उस पर उनके माता पिता के हस्ताक्षर थे और भी बड़ा कुछ जो है बोला जा रहा है अर्बन नक्सल तक बोला जा रहा है उसको कैसे आप सारा देख रहे हैं देखिए ऐसे कि मैंने उनका कोई बयान सुना नहीं है क्योंकि बीजेपी वालों का बयान ही बेतुका होता है लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी आतशी जी तो पिछले लंबे समय से दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की मनीष जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं ये उन्होंने तब क्यों नहीं बोला आज ही क्यों बोल रहे हैं ये घबराहट की निशानी है जी जैसे जैसे मानसिक संतुलन हिल जाता होता है ना जी किसी का बीजेपी का मेरे को जिस बंदे ने भी ये बयान दिया है मेरे को वैसे ही लग रहा है ये क्या अमन जी ये मूवमेंट जो है जैसे केजरीवाल जी ने रिज़ाइन करने वाले हैं चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ रहे हैं ये वही मोमेंट है जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन तोड़ लिया था फिर दोबारा सत्ता में वापसी की थी अब जो है केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं और जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं देखिए ऐसा है कि जब तब छोड़ा था ना जी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स थे क्योंकि तब आप फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हो तो बीजेपी आम आदमी पार्टी सिर्फ अट्ठाईस एम थे और कंप्लीट बहुमत नहीं था तो काफ़ी चीज़ें तब कांग्रेस करने नहीं दे रही थी क्योंकि अलायंस की मजबूरियाँ थी तब और परिस्थितियाँ थीं आज और परिस्थितियाँ इन वे कि एक देश के सबसे ईमानदार लीडर के ऊपर अगर आप बेईमानी का कीचड़ उछालोगे तो उस चीज़ के लिए लोगों से क्लीन चिट लेने का जो तहिया अरविंद जी ने किया ये उस कंडीशन में ये इस्तीफ़ा दिया गया और मैं तो कहता हूँ देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बीजेपी वालों को बोलिए इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि अगले महीने इलेक्शन कराएं दिल्ली के लोगों के पास चलते हैं पता चल जाएगा पर ये क्या एक कैलकुलेटेड सा मूव लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री कर दिया जाए ताकि वो संगठन के ऊपर ध्यान दे सकें और आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं उन पर फोकस रखे हैं बाकी चुनाव जो हैं उन पर देखिए ऐसे कि ये मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि सभी सुविधाएँ जो दिल्ली के लोगों को मिल रही थी तो उसको बंद करने का बीजेपी कोशिश कर रही है नंबर वन नंबर टू ये ऐसा नहीं है कि सी एम की जिम्मेवारी से फ्री करके सिर्फ पार्टी के लिए पिछले दस ग्यारह साल

thank mm -hmm. you